हेलो व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर संदीप प्रेमी और आज हम बात करें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज के सिनेरियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है और वो वायरस इंडिया में भी दस्तक दे चुका है, तो उससे बचने के लिए लोग काफ़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं। वो लोग ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना वायरस फैलने के तरीके काफ़ी सारे हैं। वो आपके टच से भी फैल सकता है, आपके जो सलाइवा है उससे फैल सकता है, और आप जब खांसते हैं या छींकते हैं तो उससे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जो एयर के थ्रू दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। और काफ़ी लोग हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं और खांसते या छींकते वक्त रुमाल का भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंसान है वो एक काम और कर रहा है, वो मास्क लगा रहा है। देखिए, मास्क है अपना जो आज का वीडियो है वो स्पेशली इसी पे ही है। तो आइए शुरू करते हैं सर्जिकल मास्क के बारे में। देखिए, वैसे बहुत सारे मास्क हैं अपने मेडिकल फील्ड में, जिसमें से ये है N95 मास्क। ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन में पहना जाता है, अभी तो मैं इतना ही बताता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा है ये सर्जिकल मास्क, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए डबल साइडेड है, एक तो इस तरह का है स्ट्रिप वाला, ये सर्जिकल मास्क आता है, और दूसरा है ये जिसमें इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं। काफ़ी जो मास्क हैं वो प्रचलन में हैं अभी। अभी जब जो कोरोना वायरस से बचने के लिए हम जो मास्क यूज़ कर रहे हैं, वो हम मास्क यूज़ कर रहे हैं सर्जिकल मास्क कहते हैं। देखिए, यह जो है इसकी एक साइड तो ब्लू है और जो अदर साइड है वो है वाइट, ठीक है। ये वाला मास्क हम कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए, प्रिकॉशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। यही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू अप्रोच है और ये बहुत सस्ता भी है, इसको लगाना भी काफ़ी आसान है। देखिए, वैसे तो ये मास्क भी हम इसके प्रिकॉशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सफोकेटिंग होता है। इसमें से सांस लेना बहुत ही जो है वो मुश्किल हो जाता है। आप ही थोड़ी देर के लिए तो हम इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे दिन इसके लगाना पड़े या फिर 5-6 घंटे इसे लगाना पड़े तो आप इसे लगा नहीं पाएंगे। ये बहुत ही सफोकेटिंग है, सांस लेने में इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो सर्जिकल मास्क है इसे लगाना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आज हम इसी वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि इसे हम कैसे यूज़ करें और इसका क्या क्या ध्यान रखें, इसे कैसे पहनें और इसे कैसे उतारें और इसे डिस्कार्ड कैसे करें, और इसे पहनने का जो साइंटिफिक तरीका, लॉजिकल तरीका क्या है। करते हैं कि सर्जिकल मास्क को कैसे वियर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसे पहनने से पहले अपने जो हैंड हाइजीन है उसे विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपके हाथ बहुत अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। फिर इस स्ट्रिप को, जिसमें आगे की तरफ जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है, वो कलर्ड पार्ट ग्रीनिश हो सकता है, वो कलर्ड पार्ट जो है वो ब्लूइश हो सकता है, और जिसका जो अंदर वाला पार्ट है वो वाइट होता है। तो वाइट वाला जो पार्ट है आपको अपने नाक की तरफ रखना है। इस स्ट्रिप को पकड़ेंगे आप, इसे इसके अंदर वाले पार्ट को आप हाथ नहीं लगाएंगे, इसके बाहर वाले पार्ट को भी हाथ नहीं लगाएंगे। इस स्ट्रिप को यूं ही पकड़ना है आपको, तरह से यूं, इस स्ट्रिप को आप यूं इस तरह से बांधेंगे। देखिए, मैं जो ये नोट लगा रहा हूँ, मैं ये इस तरह वाली नोट लगा रहा हूँ कि जब आपको इसको खोलना पड़े तो आप इस स्ट्रिप को खोल के इसको आसानी से खोल सकें, ठीक है। इस तरह से ये होगा। अब देखिए, ये जो यहाँ पे एक ब्रिज है नोज़ पे, उसको प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल आता है, तो उस मेटल से ये हो जाएगा और इसको इस तरह से कर लेना है। तो ये जो तरीका है वो साइंटिफिक तरीका है इस मास्क को पहनने का। देखिए, अभी भी अगर आपने ये पहन रखा है, हाथ है उसको आंखों पे नहीं लगाना है, इसके ऊपर नहीं लगाना है आपको, और इसे पहने ही रखना है। मैं कई बार नोटिस करता हूँ, इवन हमारे जो कलीग्स हैं मेडिकल फील्ड से, वो भी इसे या तो यूं लगा के रखते हैं, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो आपके चला जाएगा। तो इसे यूं ही रखें आप, ठीक है। और कई बार मैं ये देखता हूँ कि जो इसमें से निकाल के इसको यूं पहन के रखते हैं। आपको इस तरह से भी नहीं पहनना है, अगर आपको सीरियसली इन्फेक्शन से बचना है तो आपको जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से पहनना है। ना तो इसे यूं रखना है और ना ही आपको इसको यूं रखना है, आपको प्रॉपर तरीके से इसको यूं ही रखना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और आपको जब इसको आप रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए आपको नीचे वाली नोट है
वो पहले ओपन करनी है इस तरह से, फिर जो ऊपर वाली नोट है उसको इस तरह से रिमूव करना है। इस तरह से आपको इसको, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको ये वाले हिस्से से पकड़ के, मतलब अगर ये आपको यूं लगा हुआ है तो आपको इस तरह से नहीं हटाना है, क्योंकि यहाँ पे सारा इन्फेक्शन है वो लगा हुआ है तो वो आपके हाथों में भी लगेगा, इसलिए इसको आपको इन इस स्ट्रिप से ही उतारना है, ना कि इसको यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, देखिए ये सर्जिकल मास्क जो था वो स्ट्रिप वाला था, और इसके इसके अलावा एक इस तरह का मास्क भी आता है, आपको उसको ऐसे ना पकड़ के इसको यूं लगाना है और इसको यूं कर लेना है और ये ब्रिज को यूं, इस तरह से आपको ये मास्क लगा के रखना है। जब आप इसे रिमूव करें तो आप इसे यहाँ से ऐसे रिमूव करेंगे और इसे प्रॉपर एक प्लास्टिक के पाउच में या फिर कागज़ में इसको डाल के डिस्कार्ड करेंगे। देखिए साधारण सी क्वेरी रहती है कि या क्या ये मास्क सभी को पहनना चाहिए, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये मास्क उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको खांसी जुकाम बुखार इस सीज़न में है, तो वो इसे पहन के रखें। एक तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो वो अपना इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोगों को नहीं पहुँचेगा, और एक उस वक्त उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी कम होती है तो उन्हें संभावना होती है कि उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो सेफ रहें, जागरूक रहें, इस बारे में जानकारी रखें, दूसरों को भी कोरोना वायरस के लिए जागरूक करें, क्योंकि ये बहुत ही कोई पैनिक वाली चीज़ नहीं है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो ईजिली आपकी सावधानियों से इससे बचा जा सकता है। व्यूवर्स, मैंने एक अलग से वीडियो कोरोना वायरस पे बताया है कि कोरोना वायरस क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसे हम कैसे बच सकते हैं और उसका होम्योपैथी से मैनेजमेंट क्या होता है, तो आई बटन पे ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उसे प्रेस करिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर दें, और एक पास में बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें कि जैसे ही मैं अपने वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।